गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज तारीख है हमारी 8 मई 2020। सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर। क्लास है हमारी 8, सेक्शन बी। चैप्टर नेम है हमारा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, लेसन 1। हमने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से स्टडी कर लिया है, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, फिल इन दी ब्लैंक्स। जहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए होंगे वहाँ पे आपने उसको फिल करना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं। तो इसमें फर्स्ट है, डैश इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएटेड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ एक सिंगल पर्सन के लिए, बोल सकते हैं, या इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्रिएट किया गया है, तो वो क्या है, पैन, जो मैंने बोला भी था, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। सेकेंड है, अ कंप्यूटर नेटवर्क एनेबल्स टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर डैश एंड रिसोर्सेज। बोल रहे हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो अनेबल कर देता है कि हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर हैं, उनसे क्या कर सकते हैं हम शेयर, एक तो रिसोर्सेज और दूसरा डेटा, ठीक है, टू शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इन अ नेटवर्क मॉडिफिकेशन और अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर और डेटा इज डन एट अ डैश ओनली। बोल रहे हैं जो भी हमारा मान लो नेटवर्क है, अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें मॉडिफाई करना है, उसको अपडेट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हो जाता है वो, एट अ सिंगल पॉइंट ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ डैश। मैंने बोला था जितने भी कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में होंगे उस टाइम, तो उनको क्या बोलेंगे हम, नोड। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड, ठीक है। लास्ट है हमारा, डैश आर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड ओवर द इथरनेट केबल, ठीक है ना। हम क्या यूज़ करते हैं जिसके द्वारा बोलते हैं हम डेटा को रिसीव और सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट करते हैं हम ओवर द इथरनेट, जो केबल्स होती हैं उनकी हेल्प से, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क कार्ड्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, नेटवर्क कार्ड्स। सो होमवर्क भी आपके लिए यही है स्टूडेंट्स, रीड राइट रिवाइज फिल इन दी ब्लैंक्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।